हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का दिन इंतहाई गर्म है, नींदें मुझे आ रही हैं, लेकिन मैंने कल वर्कआउट मिस किया था। मेरे पास एक चॉइस होती है वीक में 3 दिन करने की, तो आई कैन चूज माय डेज। तो क्योंकि कल मिस किया था तो आज ज़रूर जाना है। और बड़े मुश्किल से मरमर के मैं उठी, मैंने कहा अच्छा पानी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। जैसे ही कमरे से निकली, बिल्ली वाज लाइक माओ 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 माओ, मैंने कहा हाय। और बिल्कुल सामने आबिद के अरबिक टीचर बैठे हुए थे, एंड ही वाज लाइक कि मैं इतनी फ्रेंडली क्यों हुई हूँ। बेसिकली मैं स्नोई को हाई करी थी। तो ये सीन था, कियोटिक सुबह। बट अब फाइनली डिड माय ब्लैक कॉफी थिंग, पानी बहुत सारा पिया है मैंने, और अब मैं जाऊँगी जिम। और ये कोई गंदे सड़े कपड़े मैंने पहने हैं, बिकॉज जितने आप गंदे कपड़े पहने, बाई गंदे आई मीन लाइक वैसे साफ बट लाइक रगेड कपड़े पहनेंगे, उतना आपको मज़ा आएगा जिम में, कम गर्मी लगेगी। और तो हमारे जिम में एसी बड़ा ज़बरदस्त चलता है, बट वो एक कोई भी आके बोल सकता है कि एसी कम कर दें। ये कौन लोग होते हैं भाई, मई के महीने में कौन एसी कम कराता है? बट होते हैं वो लोग, और मैं तो पसीने में मर रही होती हूँ। बट anyway, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट्स में बता दें क्या देखना चाहते हैं, और उस बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिलती रहे न्यू वीडियोस की। अभी मैं जाने लगी हूँ नीचे वर्कआउट डे, और फिर मुझे आज घर साफ करना है, मुझे आज ग्रोसरीज लेके आनी है। और मुझे किसी ने कमेंट किया, आपके लिए क्या मसला है, यू हैव हेल्प। भाई जब आप अपने फ्रिज में खुद चीज़ें रख रहे होते हैं ना, तो आपको याद होता है। जब कोई और रख रहा होता है ना, और मेरी ज़िंदगी में तो हमेशा यही रहा है, कोई ना कोई जो है वो फ्रिज भरने वाला एक इंसान मेरी लाइफ में रहा है, सो माई हेल्पर डज दैट। अब मैं कह रही इतनी सी चीज़ जो रखी है, बस ये क्या है? मैंने कभी मैं देखती हूँ इससे पहले कि मैं देखूँ वो वापस फ्रिज में जा चुका होता है। आई एम लाइक भाई, अगर पता है कोई चीज़ ख़राब हो गई है या कोई चीज़ पता ही नहीं है कि क्या है, तो उसको फ्रिज में रखने का क्या फ़ायदा है? सो यू नो, वो एक चीज़ रह गई बतानी, हमारी एनिवर्सरी थी तो आप इज़ लाइक तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा मुझे गिफ्ट, मैं आई विल बाय माय गिफ्ट, डोंट वरी, और इतना कोई महंगा गिफ्ट ही लूँगी मैं। सो आई जस्ट वेंट टू अ सैलून, अच्छी सी मदर की सर्विसेज कराई, मैंने कहा ये तुम्हारे जिम्मे, और फिर मैंने ये लिया। एक तो मैंने वो गंदी वाली परफ्यूम, गंदी वाली लिपस्टिक ली थी, महंगी एंड गंदी, शार्लेट टिल्बरी, और एक मैंने ये लिया। इसकी ज़बरदस्त बात यह है कि आप मेकअप करें उसके बाद ये लगा लें, बिकॉज हम लड़कियों का ये प्रॉब्लम होता है कि भाई सनब्लॉक भी लगानी है और मेकअप भी करना है, तो क्या करें? तो एक अमेजिंग बात कि आप ये उसके बाद लगा सकते हैं, और ये वो वाहिद चीज़ है बाय द वे जिसके जब आप होता है ना पैसा वसूल, इट इज़ एक्चुअली पैसा वसूल, बिकॉज इससे इतनी मज़े की शाइन आती है फेस पे। इसमें खुशबू है, एक होता है जो खुशबू के बगैर भी होता है, बट आई लव 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 दिस। आई नो इसको, इसका फैंसी नाम आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट मैं इसको रोशू पोशू कहती हूँ। सो इवन मेरा मेंद है, आई वाज लाइक वो जो सनब्लॉक होती है ना, वो जो रोश पॉश रोश, हाँ आई नो, इवन शी कुडंट प्रोनाउंस इट, बट शी वाज लाइक या आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। सो ये आप ही ने मुझे, मेरी बहन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि फोन को हमारे सब पता होता है, तो वो फोन पे मुझे इसके एड्स आने शुरू हो गए, एड्स इन अ वे वेयर रियल पीपल, माई फ्रेंड्स और जिन लोगों को मैं जानती हूँ, दे वर टॉकिंग अबाउट इट। सो इट्स अ वेरी 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 गुड वन। सबसे मजे की बात होती है कि मुंह पे लगता नहीं है कि आपने कोई ग्रीस लगाई हुई है, और आपको सांस आना बंद नहीं होता। सो रियली गुड, रिकमेंडेड। इफ यू हैव टू इन्वेस्ट इन समथिंग, डू नॉट इन्वेस्ट इन मेकअप, इन्वेस्ट इन स्किन केयर। स्नोई मैडम, क्वीन, मिनी माउस पे देखा, जानू मामा नीचे से आ रही है फिर प्यार करेगी, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ये आबिद की अरबिक क्लास, माय बुक इज इन माय बैग, माय मोबाइल इज ऑन हिज टेबल, माय बुक इज एट माय हाउस। बड़ा बुक मोबाइल, वेरी वेरी नाइस। हेल्प का क्या था? अच्छा, जस्ट फॉर यू टू सी एंड लर्न। मोमेंट जब आपको ये जगह खाली मिलती है।
मुझे लगता है माय एंटायर लाइफ वाज अ जोक, बिकॉज कार्डियो हम इतने शौक से करते थे, कभी कभी करते थे, और अगर आप कैलोरीज के अकॉर्डिंगली देखें और वैसे भी जनरली भी, कि वो इतना फ़ायदा नहीं देती आपको जितना आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देती है. और मैं सिर्फ अभी वार्म अप कर रही हूँ कार्डियो से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए. जिम में बहुत ज़्यादा हैपनिंग म्यूज़िक चल रही होती है बहुत फास्ट, लेकिन मैंने पीछे इसलिए स्लो चलाई हुई है बिकॉज़ यूट्यूब की जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है वो स्लो ही है. सो डोंट वरी, म्यूज़िक बड़ी अपलिफ्टिंग थी. अच्छा, ये पता नहीं एनी किक्स होती हैं, साइड किक्स होती हैं आई थिंक, तो ये बड़ी ज़रूरी होती हैं पहले. और मेरा सबसे बड़ा आई थिंक स्ट्रगल ये है कि मुझे मेरा पोस्चर स्ट्रेट रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये जो एनी किक्स है ना, इसमें बैलेंस रखने के लिए, उफ, बैलेंस इज़ समथिंग दैट आई कैन ऑलवेज वर्क ऑन. और जब मैं योगा भी करती हूँ तो मुझसे 10-10, 15-15, 20-20 साल बड़े लोग परफेक्टली कर रहे होते हैं, मेरा सिर्फ बैलेंस का इशू है. By the way guys, I'll say if you're new to this, please do it under a trainer, because आप बहुत सारी चीज़ें गलत कर सकते हैं. मेरे ट्रेनर मुझे बहुत गौर से देख रहे होते हैं, मैं अक्सर चीज़ें देखें गलती करती हूँ, लाइक आगे करना होता है पीछे करती हूँ, कभी बैक मेरी मुड़ रही होती है, अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट वन थिंग, बट बहुत सारी चीज़ें कैन एक्चुअली गो रॉन्ग वन यू आर डूइंग इट. तो somebody इज़ लाइक कीपिंग एन आई ऑन यू, इट इज़ एक्चुअली ग्रेट फॉर यू. इंजरीज का चांस कम हो जाता है, जो एक्चुअल चीज़ करनी होती है वो आप कर पाते हैं. अक्सर मैं कभी कुछ कर रही होती हूँ, आई एम लाइक वाओ दिस इज़ वेरी इजी, कुछ फील ही नहीं हो रहा, फिर जब मुझे वो सही तरीका बताते हैं वही चीज़ करने का, तो मुझे फील होता है कि वो अच्छा मैं गलत कर रही थी, तभी मुझे फील नहीं हो रहा था कोई प्रेशर. एंड ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, मुझसे ज़्यादा शायद फिजिकली लेजी इंसान आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन एक्सरसाइज, वर्कआउट, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज आपको सिर्फ फिट नहीं करती, वो आपको ज़िंदगी का डिसिप्लिन सिखाती है. पेन, बेरेबल पेन लेना ऑलवेज रिजल्ट्स इन गेन. सो आपको पेशेंस सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, अपने आप से अच्छा वाला प्यार करना सिखाती है. आई थिंक एवरीबडी शुड वर्क आउट, जो भी मेडिकली लिमिटेशंस हैं, जो भी जिसकी भी लिमिटेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली किसी अच्छे ट्रेनर से, बट इन माई ओपिनियन नाउ एवरीबडी शुड वर्क आउट. और मैं एक और बात आपसे शेयर करती हूँ, वाइल आप मेरा ये रूटीन भी देख रहे हैं, कि मेरी अपर बैक में लाइक जो शोल्डर्स के पास वाला एरिया होता है ना, शोल्डर्स जो होते हैं बेसिकली, उसमें मुझे इतना पेन रहता था, सारी दुनिया की टेंशन, स्ट्रेस, छोटी छोटी चीज़ों की भी वहाँ पे मुझे लगता था स्टोर हो गई है. और मुझे किसी ने एक बार कहा कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ जब आप बिल्ड कर लेते हैं तो इस किस्म के दर्द आपको कम होते हैं, एंड इट जस्ट स्टेड विद मी. अभी मैंने बहुत ज़्यादा कोई बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट नहीं की है, वो मेरा मकसद भी नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आर्म्स को टोन करना है, स्ट्रेंथन करना है, लेकिन इसी से मुझे फ़र्क फील होता है, इसी से मुझे महसूस होता है कि मैं कितना हेल्दी फील करती हूँ आजकल. ये जो साइड किक्स हैं, इसमें मैं अपने नी पे अपनी एल्बो नहीं लगा पाती थी, कभी कभी मैं थक जाती हूँ तो अभी भी नहीं लगा पाती, लेकिन जनरली मैं इसमें भी बेहतर हुई हूँ. And here comes the person जो मैं आपको बता रही थी, शी इज़ एन इंस्पिरेशन, अपने बच्चे के साथ आती हैं टू वर्क आउट व्हाइल ही इज़ टेकिंग अ नैप. इट्स सो इंस्पायरिंग. एज़ यूजुअल ट्रेनर ने पता नहीं क्या बताया था, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ. ये आपको ब्लंडर्स दिखाने का रीज़न ये होता है, ये नोबडी इज़ परफेक्ट, आई एम लिटरली द ऑपोजिट ऑफ परफेक्ट व्हेन इट कम्स टू वर्कआउट, बट आई एम ट्राइंग एंड आई एम श्योर कि बहुत बार करके मुझे करना मुझे सही से करना आ जाएगा. और इस वजह से भी मुझे मशीन्स मेरे लिए यूज़फुल होती हैं, बिकॉज़ जिन चीज़ों में मुझे मेरा पोस्चर स्ट्रेट रखना है, या एक आर्म अजीब तरीके से जा रहा है, एक आर्म दूसरी तरफ जा रहा है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मशीन्स बहुत अच्छी होती हैं. बहुत सारी चीज़ें अभी मैं मशीन्स के बगैर नहीं कर पाती, बिकॉज़ मेरी बॉडी का बैलेंस कोई इतना ख़ास नहीं है. एंड आई थिंक हार्ट रेट को पम्प्ड अप रखने के लिए ये कराते हैं मुझसे. बाय द वे गाइस, मुझे इन मशीन्स में, इक्विपमेंट्स में इतना मज़ा आता है, बिकॉज मुझे पता होता है कि मैं गलत करना चाहूँ भी तो मैं नहीं कर सकती. यू हैव टू होल्ड देम एक ख़ास तरीके से, ख़ास जगह से, तो पता चलता है कि अच्छा बैलेंस, इसको कहते हैं बैलेंस, एक दिन मैं भी सीख लूँगी, बट बहुत मज़ा आता है. एंड आई थिंक मैंने अपनी लोअर बैक
सही से लगाए हुए, अपने लाइक अपने हिप्स नहीं पीछे सही से लगाए हुए थे. नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट. वो मैं लगाने लगती हूँ तो मुझे लगता है मैं गिर जाऊँगी, बट या व्हाटएवर. आई नो इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन, मगर जिम के मिरर में आपको अपने फेस पे मौजूद एक एक बाल नज़र आ जाता है, तो ये मेरी टिप आप लीजिएगा और घर जाके फिर वहाँ से हेयर रिमूव कीजिएगा. सॉरी मैं भी नामों के साथ थोड़ी सी जाहिल हूँ, मगर इस पर भी मुझे बहुत मज़ा आता है. इस पर जिस तरह से ये बैठे हैं, कभी ये मुझे ऐसे बिठाते हैं, कभी ये मुझे दूसरी तरह से बिठाते हैं, लाइक मेरी बैक जो है विदाउट एनी सपोर्ट होती है, लेकिन दोनों तरह से ही मुझे बहुत मज़ा आता है ये करके. लाइक एक अजीब सी अकम्पलिशमेंट फील होती है. मुझे सबसे ज़्यादा बुरी ये पोजीशन लगती है. आई हेट प्लैंक्स, आई हेट 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 प्लैंक्स, और यही जो है वो कोर स्ट्रेंथन करते हैं. एंड आई जस्ट हेट देम, दे आर सो पेनफुल. बाय द वे आई एम वेरी श्योर कि मैं ये गलत कर रही हूँ, बिल्कुल गलत कर रही हूँ. दिस टाइम आई वॉज लाइक अब क्या करूँ, छुट्टी? नहीं छुट्टी नहीं है अभी. बस गाइस अब मेरा कार्डियो का थैंक्स टू अदर पीपल हु हैव कम इन. आज मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा इजी गेम हुआ है. मुझे आबिद ने बताया था कि वो वर्कआउट से पहले वार्म अप तो होता है, लेकिन वर्कआउट के बाद ना स्ट्रेच कराते हैं. उसका जो ट्रेनर है वो लाइक उसके टांग पे टांग रख के, पाँव पे पाँव रख के, इस तरह का कुछ उसको स्ट्रेच करवाता है. बट आई थिंक मेरे ट्रेनर मेल हैं तो वो वाला फैक्टर शायद इसलिए नहीं है. मैंने अपने ट्रेनर से पूछा भी था, उन्होंने कहा था कि नहीं अगर आप ये वाली इक्विपमेंट यूज़ कर लें तो इट्स काइंड ऑफ लाइक द सेम थिंग. तो फिर मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करा के किसी योगा के थ्रू कर लेती हूँ, बाकी फिर मैं ये कर लेती हूँ. तो अभी तक थैंक गॉड नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि मुझे वर्कआउट पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था. व्हाट वाज आई डूइंग विद माय लाइफ. लिमिटेशंस आपकी सिर्फ माइंड में होती हैं. एक तो फिज़िकल
लिमिटेशंस के अलावा. बट एवरी टाइम दैट आई हैव दिस गिल्ट देन आई थैंक गॉड एंड देन आई गिव माई सेल्फ दिस क्रेडिट एंड सेल्फ लव दैट फाइनली आई एम डूइंग इट. इट्स ओके अगर आपने लेट स्टार्ट भी किया है. कुछ लोग 20s में स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 30s में स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 40s में स्टार्ट करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन. ये मैं लेके जा रही हूँ स्टैंड, और आज मैं स्टैंड इसलिए लेके गई थी बिकॉज माई सिस्टर वॉज लाइक, आई टोल्ड माई सिस्टर हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया कि मैंने जो है ये वर्कआउट फुल स्टार्ट कर दिया अब सीरियस होकर, बिल्कुल तुम्हारी बातें सुन सुन के, कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है वक्त के साथ साथ. बोन्स डिटेरियोरेट होती हैं और आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है, वरना वही मसले होंगे जो हमारे पेरेंट्स को हैं. सो क्या हुआ, When I told her, then she was like, यार प्लीज़ अपने पूरे वर्कआउट की मुझे वीडियो बना के भेजना. तो आज स्पेशली उसके लिए वीडियो बनाई थी, तो उस चक्कर में आप लोग ने भी देख ली. आई थिंक आई शुड फोकस मोर ऑन लाइक कॉन्टेंट क्रिएशन पार्ट, कि ज़रा करना है तो फिर सही से करूँ ना, मतलब फुल स्टैंड वगैरह लगा के. उसमें स्टैंड में सिर्फ ये मसला होता है कि दूसरे लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि ओ हो हमें तो कैप्चर नहीं करें, देन यू हैव टू टेल एवरीवन कि डोंट वरी आप नहीं आएंगे भाई इसमें. सो I am very, very, very close to my sister and I love my sister. And you know, like there are people in your life jo aap kuch bhi kar le and they would support you and they would bring the best out of you. So that is my sister. And jab main workout karti hu, I miss her and I tell her that thank you so much. And then she tells me, I'm very proud of you, you know. I don't know if you are able to relate to this feeling or not. ये जो feeling होती है ना, that you look up to someone in life और वो इंसान आपको uplift करे, motivate करे और आपका best friend हो. तो मेरे बहुत सारे friends हैं जो कि बहुत close हैं और I'm very grateful that I have a lot of friends to count on. But my sister is like my forever friend, जो गंदी से गंदी बात भी होती है, like she knows and deepest secrets and she never judges, she never gives anybody any lecture. I love her so much. I don't know why I'm talking about her, because जब भी मैं वर्कआउट करती हूँ I'm talking about her, but yeah. अच्छा मैं पसीने हो चुकी हूँ. एंड बाय द वे एक टिप शेयर करूँ आपके साथ, एक मिनट अंदर जाके करती हूँ, I don't want anybody to. So घर में चल रही है सफाइयाँ. बाय द वे अभी हम ना हमारा एक नेबर का घर देख के आए थे, तो ये जो वाइट लाइट है ना हमारी, वो एम्बर थी. तो हमने कहा अरे वाह, ये तो छोटा सा चेंज है जो हम कर सकते हैं. तो हमारी ये एम्बर लाइट आई हुई है, यू नो जो गोल्ड शेड होता है. सो ये लाइट आई हुई है, मंगवाई है हमने यहाँ लगाने के लिए. तो ये हो जाएगा एम्बर, तो बड़ा प्यारा हो जाएगा हमारा किचन लाइक देखने में. एंड अब मैं पता है क्या करने लगी हूँ, थोड़ा सा स्नोई टाइम होगा, लाइक लव टाइम होगा, मैं शावर लूँगी, स्नोई को टाइम दूंगी, बिकॉज वो भी एक टास्क होता है, बच्ची मेरी डिप्रेस हो जाती है वरना. उसके ओहो मैं शूज़ लेके घूम आ रही हूँ अंदर. उसके बाद जो है वो मैं जाऊँगी ग्रोसरी शॉपिंग करने. और आप बोलेंगे कि यार ये मतलब क्या सीन है, ये हर वक्त ग्रोसरी शॉपिंग. तो भाई सीन ये है कि मैं मीट बहुत ज़्यादा अरसे तक ना सेव करके नहीं रखती, बिकॉज मुझे उसमें फ्रीज़र की स्मेल आनी शुरू हो जाती है. मैं मेरी नाक खुद की इतनी तेज़ है बींग अ शेफ़ कि आई एम लाइक जब मैं किसी के घर को खाना खा रही होती हूँ, इतने टाइम से फ्रीज हुई हुई थी ये चीज़. सो आई डोंट लाइक दैट. गॉड हैज़ गिवन मी दिस स्किल टू कुक एंड आई कैन ऑल्सो टीच लाइक अदर पीपल टू कुक, सो वाई नॉट, राइट. जब हर वक्त मैं खाना बनाने के नॉट मूड में नहीं होती हर वक्त खाना बनाने के, बट हर वक्त पका सकती हूँ, राइट. सो इस वजह से मैं बार बार जाती हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने. और एक और चीज़ है कि इतनी गर्मी है आजकल कि आई लव टू बी इन द एसी वेयर वी डोंट हैव टू पे फॉर इट, विच इज़ लाइक अ ग्रोसरी मार्केट. There is AC and you don't have to pay for it. So I take my time. और कभी भी मैं आबिद के साथ नहीं, आबिद मुझे कहता है चलो चलो चलते हैं, आई एम लाइक नहीं, मुझे तुम छोड़ दो फिर तुम चले जाओ, क्योंकि मुझे हर चीज़ देखनी होती है, मुझे ग्राम्स मेजर करने होते हैं, प्राइस देखनी होती है, दिमाग मैं बड़ा लगाती हूँ सोचने में. आई कीप ट्राइंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑल्सो, सो आई एम लाइक भाई कोई नहीं चाहिए मुझे मेरे साथ ग्रोसरी शॉपिंग में, कोई नहीं चाहिए, ना मेरा मियाँ, ना हेल्पर, ना कोई दोस्त. ये मेरा छोटा चूज़ा अंदर आ गया है, बेड पे चढ़ना अब इसको अलाउड नहीं है. और मिनी माउस नीचे ही रहना आप. नसीब भाई सफाइयाँ कर रहे हैं, तो ये मैडम जो हैं वो बग़ैर इजाज़त के अंदर आ गई हैं. वैसे कोई मसला नहीं था इनके अंदर आने में पहले कभी भी, लेकिन अब जब से ये थोड़ी सी
तुम्हें शलालती हुई है, मामा दल जाती है जब मंजिल आती हो आप। बस बेड पे नहीं चढ़ना, ओके? आप नीचे धूम मचाओ। हाँ, धूम मचाओ नीचे, आप जो करना है कर। स्नोबेल, क्या मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ? जानू, जानू मामा को शावर लेने जाना है और आप कमरे में हो और आपने ये बेड छोड़ना नहीं है। डैडी के कंफर्टर को चुन के आप उस पे काम करते हो बेबी, या वो डैडी की नमाज की पैंट्स हैं? बेबी बताओ, मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ कि आप कुछ हरकत उल्टी नहीं करोगे या फिर नहीं कर सकती ना? क्योंकि मुझे जाना है शावर लेने जानू, आपको कमरे में मुझे अकेले छोड़ना होगा और आप मौका, बस अभी से आपने मौका दिया। सो आई हैव कम टू डू द लाइक माई ग्रोसरीज एंड गेस व्हाट, मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ? मैं इस वक्त हूँ इस फूड कोर्ट में, जो कि बड़ा हैपनिंग हुआ करता था एक ज़माने में, लाइक न्यूप्लेक्स वाला जो फूड कोर्ट है, इट्स लाइक DHA वाला न्यूप्लेक्स। एक ज़माने में मुझे याद है इतना हैपनिंग होता था, हम हमेशा यहाँ पे आते थे, बहुत सारे फूड चेन्स थे, फिर उसके बाद बिल्कुल इट जस्ट डाइड डाउन। बट आज बड़ा मज़े का शोर शराबा हुआ है यहाँ पे, हालांकि आज थर्सडे है, पर आई डोंट नो व्हाई, प्रॉब्ली सम किड्स आर देयर, सो वो शोर फील हो रहा है। मैं जब भी कभी यहाँ आती हूँ तो पहले मैं KFC मैकडॉनल्ड ऐसा कुछ सोचती थी, एंड नाउ फॉर ऑब्वियस रीजंस, मैकडॉनल्ड्स तो खैर यहाँ पे बंद भी हो गया है, एंड KFC लाइक फॉर ऑब्वियस रीजंस आई डोंट लाइक इंडल्ज इन KFC, और वैसे भी लाइक नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं जूस पीऊँ। सो आई आस्क्ड देम, पहले मैंने देखा, मैं यूजुअली जो भी कोई जूस बार होती है ना, उसमें जो मेन्यू यहाँ पे जो मेन्यू होता है ना, मैं उसकी बजाय ज़्यादा शौक से ही देखती हूँ कि इनके पास कौन से फ्रूट्स अवेलेबल हैं। तो फिर जो मुझे फ्रूट्स दिखाई देते हैं ना सामने सामने, फिर मैं उनमें से कुछ चूज़ करती हूँ। दैट्स व्हाट आई डिड, कि एक तो सेलरी, एक क्या था, सेलरी, ग्रेप फ्रूट, और मैंने कहा इसके साथ कुछ मीठा कॉम्बिनेशन बताया, तो उन्होंने कहा कि ऑरेंज एंड बीट रूट, तो वो एक ज़रा रिफ्रेशिंग मज़े का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई एम हैविंग, एंड देन आई विल सी इफ आई एम हंग्री उसके बाद भी, देन आई माइट हैव सम सैलड, एक्चुअली सब में साथ ही है, फिर मैं सैलड खाऊंगी। क्योंकि देयर इज दिस थिंग अबाउट वर्कआउट, जब आप वर्कआउट करते हैं ना, एवरीथिंग इज अलाइंड, खुद ब खुद आपका हेल्दी खाने का दिल चाहता है। आई डोंट नो, आपकी सेल्फ इस्टीम बढ़ती है, आपको अपनी बॉडी में हल्का सा चेंज फील होता है, तो आपको अच्छा लगता है। सो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा बर्गर खाने का, अगर कोई मुझे इस वक्त ये बोले ना कि बर्गर खाने से आप मोटी नहीं होंगी, तो भी शायद मैं ना खाऊँ। इट्स जस्ट अबाउट द माइंड सेट, एंड इट्स जस्ट अ लाइफ शिफ्ट चेंज, इफ यू नो व्हाट आई मीन। कभी कभी ऑफकोर्स चलता है, बट Today I really want to eat clean because that is what I am in the mood for. पहले मैं सोची थी घर पर बैठ के खाऊँ, पर घर पर इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, आई वाज लाइक भाई मॉल जाते हैं, AC अवेल करते हैं, सही है, और चिल करते हैं पूरा दिन, और उसके बाद में ग्रोसरी शॉपिंग करूँगी बाय द वे। बट आई यू वंडरिंग कि ये स्पिनिच ला के क्या है, ये स्पेनिश तो नहीं लिखना था उन्होंने, लेकिन क्योंकि एक हेल्दी चीज़ है तो स्पिनिच हो भी सकता है। स्पिनिच ला के आलू नहीं, आई थिंक ये स्पेनिश लिखना चाहते थे, ये स्पिनिच हो गया है। Yes, by the way, this is the place is called Juice Bar. I like the fact that he's wearing gloves. There we go. और मुझे व्यू चाहिए कोई अच्छा सा, पीपल वॉचिंग वाला व्यू चाहिए मुझे। सो आई वांट टू सिट हियर राइट इन फ्रंट। सो आई वॉज़ नॉट हंग्री एट ऑल, बट मुझे ये पॉपकॉर्न जो सिनेमा वाले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और इतने ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं लगते जितने मुझे वो माइक्रोवेव जो आप घर पे करते हैं वो वाले लगते हैं। सो आई जस्ट गॉट माई सेल्फ सम पॉपकॉर्न्स, एंड आई नो कार्ब्स हैं, बट फाइबर भी है, एंड सोडियम से मुझे अच्छा फील होता है, बस प्रोटीन नहीं है।
फुल टाइम पॉपकॉर्न ठूस लिए हैं सो दैट मैं कोई फजूल के स्नैक्स ना खरीदूँ ग्रोसरी शॉपिंग में, ओनली हेल्दी स्टफ। यार ये वाली कॉफ़ी मुझे इतनी पसंद है, मैं बहुत कभी कभी पीती हूँ प्राइवेट क्लब के नाम से। इसमें शुगर नहीं होती लेकिन फ्लेवर्ड कॉफ़ी होती है, हाउ कूल इज़ दैट। एंड आई नो मैंने पहले भी बताया था लेकिन ये जो वाइटल के राउंड टी बैग्स होते हैं ना, ये टपाल के राउंड टी बैग से बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और ये भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैंने लिटरली दोनों को कंपेयर करके देखा था, सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मुझे इम्तियाज़ की फ़िश इतनी पसंद है, दे हैव मुश्का, दे हैव रेड स्नैपर, फिर बेबी बैक्टी है, अक्सर मैं बेबी बैक्टी भी लेती हूँ, फिर ये वाइट फिश भी है डांडिया, और ये वाइट पे आप इसकी ना आइस देख के बता सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा फ्रेश है। मैं हमेशा आइस देखती हूँ तो ये वाली मैंने ले ली, आइस इसकी तरह नहीं है। कभी इन्होंने पहले से पैकेट्स बना के रखे होते हैं वो भी आई लव कैरिंग देम। और छोटी वाली है ठीक है, हाँ ये बस मैं बिल्कुल वही पिक करूँगी आखिर में। And guess what? They have blue crabs. Guys, I feel like a winner today because ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं ना, ये drumsticks के साथ वाली, इसमें chicken tikka leg pieces थे और मैंने ले लिया। उसके बाद किसी ने कहा तो उनको इम्तियाज़ वालों ने कहा कि ये तो उन्होंने ले लिए हैं। यार एक बड़ी अजीब सी चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, वो ये कि नॉर में कोई भी बॉटल नहीं है केचप में, सिर्फ लाइक पाउचेज हैं और बॉटल जो है वो बाकी सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है। मुझे नॉर की ही केचप चाहिए थी, सो आई एंडेड अप बाइंग लाइक डिपिट की केचप ताकि मुझे बॉटल में मिल जाए। बच्चों को कभी हम सर्व कर रहे होते हैं ना, वो फिर छोटे छोटे प्यालों में निकालते हैं एंड देन वो फिर यू नो उन रेमिकन्स में एज इट इज़ फ्रिज में चली जाती है, ज़ाया हो जाती है। सो आई वाज लाइक बॉटल रख लेंगे एज इट इज़, उसी में से निकाल लेंगे। मैंने कर ली है ग्रोसरी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। नाउ आई विल गो होम चिल, आई विल सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट्स में बता दें क्या देखना चाहते हैं। By the way, I'm extremely grateful for the help that we have in Pakistan. आपका सामान गाड़ी में रखने के लिए हेल्प कराने के लिए लोग होते हैं, एंड आई ऑलवेज 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 टिप देम। ऑफकोर्स ज़रूरी नहीं होता लेकिन मैं हमेशा करती हूँ, बिकॉज जो भी अमाउंट आप उनको टिप करेंगे वो क्या ही उसकी सिग्निफिकेंस होगी एज़ कम्पेयर टू जो आपने ग्रोसरी शॉपिंग में स्पेंड किया है। राइट, मैं घर आ गई हूँ, ऐसी क्यूट है ये, वहाँ बैठी हुई थी और अभी मैंने एकदम देखा तो यहाँ आ गई है। बोला कुछ नहीं है इसने, जानू मामा खाना लाइए, आर यू इंटरेस्टेड इन खाना? बीफ, टर्की, चिकन, एक्स्ट्रा ग्रेवी वाला खाना लाइए मामा अपने बेबी के लिए। कोई रिस्पॉन्स तो दे दिया करो उसने यार, खुश तो हो जाए करो जानू। मेरा नसीब कब से इस्तेमाल कर रहे थे, इसको डिस्कार्ड करने की बारी आ गई है क्योंकि मैं दो स्पेचुलास लाई हूँ, पहले लाई थी, दो पहले लाई थी और दो अब लाई हूँ, इसको हम टाटा बाय बाय कर देंगे। तो बेल अब हाँ, अब एक्नॉलेज कर लिया कि मामा आ गई है, अब आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ।